हम साथ हैं, हम क्या साथ है, चलो ये क्या तरीका है। हे गाइस, कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आपको और भी अच्छा करने लेके ये आपके रेड तक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो यार मैं आपको बता दूं, आज की जो प्रैंक वीडियो होने वाली है ना, वो होने वाली है मेरी बेस्ट फ्रेंड पारुल पे। आप लोगों ने देखा ही होगा, एक वीडियो में पहले आ चुके हैं, उसका एक बार काट रखा है। तो यार मेरा ना मन थोड़ा ऐसे हो रहा है कि एक बार और काट दिया जाए। तो आज के जो वीडियो में मेरा साथ दिया ना, वो पारुल के ही बॉयफ्रेंड ने दिया। तो हम लोगों ने दोनों ने मिलकर उस पर प्रैंक किया, और वीडियो की जो स्टोरी है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना यार, मजा आने वाला है वीडियो में। बाकी देखते हैं, मैं उसको फोन मिलाती हूँ, वो कहाँ है। मैंने उसे आज मिलने के लिए बुलाया है। तो यार बंदी को फोन लगाया जाए। मैंने सुना है आजकल इसने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा वो जीना हराम कर रखा है उसका, तो यार थोड़ा इसका जीना हराम करते हैं। हेलो, कहाँ पहुंच गई यार? मैं बस रास्ते में हूं, बस एग्जिट कर रहा है, 10 मिनट लगेंगे मुझे आने में। 10 मिनट? 10 मिनट से 11 मिनट नहीं होने चाहिए, बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है यार, मैं तब से तैयार होके आई हूं। तैयार हो यार, चल कोई बात नहीं, तेरा सारा मेकअप उतर जाएगा आज। कुछ है सरप्राइज है तेरे लिए, कुछ शेयर करना है, तू आएगी तो नहीं है ना? अबे यार तुझे प्रैंक ही सोचता है, जब देखो जिंदगी तेरी प्रैंक हो गई है सही में। आ ना, आके बात करते हैं, यही पार्किंग में हूँ जहाँ पे हमेशा मिलते हैं। ओके चल बाय। तो यार बंदी आने वाली है 5-10 मिनट में, वेट करते हैं बंदी का। और कुछ नहीं, सेल्फी लेते हैं एक दो यार, टाइम पास करते हैं थोड़ा 5-10 मिनट। बंदी हमेशा ही बहुत ज्यादा वेट कराती है, तो आज मिलके करने वाले इस पे प्रैंक। आ गई, पीले बाल हो गए तेरे भी, और क्या हैसियत इसकी, आँख चिपक ले मेरे साथ, और नहीं तो बैठ, अच्छी लग रही है। खैर थैंक यू। अच्छा सुन, अच्छी लगती है। हाँ वो तो तू अच्छी लगती है। अच्छा सुन ना यार, वो सोहन के साथ क्या सीन है तेरा? शादी पक्की हो गई मेरी उसके साथ है। हाँ खुश तो इतनी लग रही है। खैर तुझे एक सरप्राइज देना है मुझे, कल ही तो पक्की हुई है, खुश ना होंगी मैं? शादी फिक्स हो गई, पागल है क्या? क्या पागल है, सोहन ने तुझे बताया नहीं रात को, लास्ट नाइट? क्या बताया, रात को मेरे से मिलना है, अच्छी खासी बात हुई, बाय बाय बोल के आई हूँ। कितने बजे मिल के गया तुझसे? 11 बजे अराउंड मिल के गया, रात को मेरे साथ था, आई समझ। चलो ऐसे मिल लियोगे दोस्त है, कोई बात आई दोस्त नहीं है, हम लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को जी, यही बात करने के लिए बुलाया है। और मैं अभी सोहन से क्लियर करती हूँ, मुझे सोहन ने बोला कि रात को ही मैंने उससे क्लियर कर दी थी सारी चीज़ें, तभी वो मेरे पास आया मिलने। हाँ हम लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को यार, प्यार। पागल है क्या? पागल नहीं हूँ मैं, प्यार करती हूँ उससे। ऐसे प्यार करती है यार तू? ऐसे कैसे मेरे बॉयफ्रेंड से प्यार कर सकती है? तेरा बॉयफ्रेंड प्यार क्या, प्यार दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, किसी पे भी आ जाओ। मजाक कर रही है, दिल से बच्चा है यार, क्या है? मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ बहुत ज्यादा आजकल, मेरा सीरियस है। तेरे को कैमरा लग रहा है आसपास, जिंदगी तेरी प्रैंक हो गई है, ठीक है? और वैसे अब तो हो ही जाएगी प्रैंक, क्योंकि सोहन और मैं तो एक है, वो जिंदगी भर साथ रहने वाले यार। मेरी कल ही बात हुई है भैया को, मैंने बताया, पापा को भी पता है, मम्मी को भी पता है, सबको पता चल गया, और कल ही भैया उससे मिलने आ रहे हैं। तो बोल देना, मना कर दे, अगर तुझे ट्रस्ट नहीं है तो सोहन से बात कर ले। देख यार फ्रेंडशिप में मैं नहीं चाहती कोई थर्ड पर्सन आके बोले तुझे, तो बुरा लगता है। मैं अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुझे सच सच मुंह पे बोल दिया कि फेस टू फेस किया भाई, सोहन और मैं डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, और हम नहीं रह सकते। नहीं तो तू सोहन को कॉल लगा के पूछ लेना, मुझसे क्या पूछ रही है तू? मुझे जब पता है तू मजाक कर रही है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझसे मिल भाई साहब, वो मुझसे मिलने आने वाला है। करती पता है तुझे, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, उसको भी नहीं छोड़ सकती ना। अगर तुझसे प्यार करती हूँ इसलिए तुझे सब हकीकत यहाँ बताई है। कब से चल रहा है सब? 2 महीने से हम लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मतलब हमारी सालों पुरानी दोस्ती तो इन 2 महीनों में खत्म कर? यार मुझे वो सब नहीं पता, मैं पागल हो चुकी हूँ उसके प्यार में, मैं रह नहीं सकती उसके बिना, और मुझे आजकल उसके सिवा कोई दिख भी नहीं रहा यार, कौन दोस्त कौन माँ कौन बाप। तेरा बॉयफ्रेंड क्या होता है, वो तेरे बॉयफ्रेंड को संभाल के रखना चाहिए था ना तुझे, उसे पकड़ के रखना चाहिए था ना, तूने उसे परेशान इतना कर रखा है कि वो तुझसे इरिटेट हो चुका है यार। मैंने क्या परेशान करा उसे यार? वैसे भी मैं तुझे बता दूं क्लियरली, वो मुझसे मिलने आ रहा है अभी थोड़ी ही देर में, तब उससे फोन करके पूछना। वो मैंने उससे बात करी, वो ऑफिस में गया, वो सीधे मुझसे मिलने आ रहा है। रुक तो मैं उसको फोन कर पूछ ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ऑफिस। मैं तो उसको छोड़ नहीं सकती, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, चाहे आप खून खराबा हो चाहे कुछ भी हो, आई डोंट केयर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती। कहाँ पे है तू? तो ऑफिस गया था।
रिट से क्यों मिलने आ रहा है तू? तुम ये चीट कर रहा है? मैं तो रिट से ही मिलने आई हूँ। मुझे नहीं पता, वो मुझसे बहुत अनाप शनाप बोल रही है। देख मुझे सोहन, तुम एक काम करो, यहाँ पे गेट पर तू बस जल्दी से आ जा, मैं ना बहुत गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे यार, तू सच में जल्दी आ जा। सोहन तुम गेट नंबर 7 की पार्किंग में आओ अभी इसी वक्त, जल्दी आ जा बस, अभी सच सब सामने आ जाएगा ना, क्या होगा देखो यार। ना वो कांप रहे हैं यार। यार सुन मेरी बात बहन, तू प्यार से समझ जा कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। 12th class से मेरे साथ है वो यार, ऐसे कैसे हो सकता है? 12th class से साथ है तो यार उसने फिर सोचा नहीं ना उससे मेरे से प्यार कैसे हो गया, वो मेरे साथ रहना चाहता है, वो इरिटेट है। तुम दोनों को ऐसा फ्रेंड मिलवाया था यार, तुम दोनों ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तू इतनी डिमांडिंग है, वो तुझसे इरिटेट हो चुका है। हाय देवी, कैसे हो? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। ये क्या कर रही? यार इसे मैंने बुलाया था क्योंकि तुमने रात को इसे बताया नहीं सारी चीजें क्लियरली की। नहीं मेरी बात नहीं हो पाती, मैं बिजी था उस चक्कर में, मेरी कोई बात नहीं। मेरे से मिल के गया था, तुम इसे अभी क्लियर कर दो कि हम लोग क्या, हमारा क्या। देखो यार सीधी बात है, वो सब छोड़ो, जो भी कल बात हुई वो सब मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे। बट यार मैं परेशान हो चुका हूँ तुम्हारे रोज रोज के ड्रामे से, जो तुम्हारी नौटंकियां चलती है ना, और ये शॉपिंग में ये वो टीम टाम फलाना ढिकाना, मेरे को नहीं चाहिए यार ये नाटक मेरी जिंदगी में, सीधी बात है। और रिट से तुमने मेरे को जब पहली बार बर्थडे पार्टी में मिलाया था ना, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई लव हर, मेरे को नहीं चाहिए रिलेशनशिप यार, प्लीज खत्म करो ये सब यार, बहुत ड्रामे हो रहे हैं यार। सुन लिया? मतलब तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो यार? जैसा करते हो भाई, दोनों को ही मैंने सबसे ज्यादा उससे प्यार करते हैं यार हम, क्यों क्या है क्या? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से भाई, क्या कर सकते हैं, प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। और या तो तू अपने हद हो गई है यार, या तो तू अपने बंदे को संभाल के रखती। इतना एग्रेसिव होने वाली क्या बात हो गई यार, ठीक है नहीं हो रहा ये सब काम, ब्रेकअप फैसला उसके साथ है यार, ऐसे कैसे एग्रेसिव ना हो? तो कोई एग्रीमेंट किया है क्या यार? ठीक नहीं हो रही, नहीं काम कर रही चीज। मैंने सबको बताया है घर वालों को, मना कर देना आज उनको। अरे ब्रेकअप ऐसे कैसे मना कर सकती हूँ यार, जैसे हाँ किया था वैसे मना कर देना, खत्म बात यार। हम दोनों एक दूसरे से बहुत यार, मैं प्यार से बोल रही हूँ, मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो दोनों के दोनों। नहीं देखो हर चीज मजाक नहीं होती है जिंदगी में, ठीक है ये बात याद रखना, नहीं हो रही है ये चीज, काम नहीं कर रही है, मतलब बात खत्म। शिवरिंग कर रही है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि यार हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुझे समझनी पड़ेगी ये चीज यार। क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो अपन इसको? पता नहीं यार, बुलाया क्यों तुमने इसको? तुमने इसको रात को क्यों नहीं बताया? मेरे को नहीं देनी किसी को एक्सप्लेनेशन, हो गया बात खत्म। नहीं रहना चाहता यार, या तो अपने बंदे को ऐसे प्यार दो, संभाल के रखो, वो कहीं और ना जाए। पता नहीं है तो यार, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा था मेरी शॉपिंग करना तो तुम मुझे मना कर सकते थे यार, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? देखो जो बात है क्लियर है, जो बात है तुम्हारे सामने है, ये हो चुका है, आई लव हर, दैट्स इट, बात खत्म। और यार तुम्हारा तुम देखो मेरे को मतलब नहीं है। ऐसे कैसे मतलब नहीं है यार? नहीं है तो नहीं है यार, ऐसे कैसे मतलब नहीं है? रिट से कैसे कर सकती है ऐसा? यार थोड़ा सा भी तरस नहीं आया मेरे पे? तरस क्या यार, मैं प्यार करती हूँ उससे, तुझे समझनी पड़ेगी चीजें। अरे सब लोग दोस्त खत्म करो ये सब यार, यार दोस्त तो इसलिए बता दिया तुझे, कोई तीसरा बंदा आके बताता ना तो पता लगता और बुरा लगता यार, नहीं रह सकते हम एक दूसरे के बिना, हम दो महीने। चलो यार हम चल रहे, चलो चलो क्या क्या चलो क्या चलो यार, पागल हो गए तुम लोग, पागल है क्या? कहाँ जाए क्या क्या करना है, क्या करना क्या? है? हम लोग साथ, हम साथ है, हम पर क्या साथ है? चलो ये क्या तरीका है बात करने का, क्या तुमने भी कहीं नहीं करा मेरे साथ, ठीक है पागल बन जाए क्या मुझे, तू क्या हो गया मैं? और तू शर्म नहीं आई तेरे को? मतलब यार तुम दोनों ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब शर्म नहीं है तुझे? तूने हाथ कैसे उठाया? दोस्ती के नाम पे कलंक है तू, हाथ दोस्ती के नाम पे कलंक है तू? एक मिनट क्या है, एक मिनट इधर 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 हाँ। मेरे को सिखाया गया लड़कियों की इज्जत करो वरना इसका अंजाम कुछ गलत हो जाता है, बात याद रखना। तू मेरे पे हाथ उठाएगा? जो भी समझना है तुम्हें समझ लो, जो समझना है समझ लो, बट ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए जो तुमने किया है, दैट्स इट। तूने भी खत्म, ड्रामा कर रहा था तब से, जो करना था कर दिया, मुझे लगता था कि यू आर द ओनली, कर दिया जो करना था यार। मतलब मैं तो कहीं की भी नहीं, ना दोस्त ना बॉयफ्रेंड यार, मैंने शादी तक की बात कर ली पापा से कल, मैंने भी की थी, मेरे को नहीं चाहिए शादी, खत्म। कितने ड्रामे यार, क्या हो गया? नहीं रहना चाहते, उसे नहीं आ रहा समझ, और प्यार करते यार हम एक दूसरे से, गुनाह थोड़ा कर दिया यार, कोई कोई मतलब नहीं है दोनों ना। अभी मैं आई जस्ट हेट यू बोथ, ओके बाय बाय, गुड बाय, लिसन टू मी फर्स्ट, बात सुन, मुझे नहीं सुन, एक बार सुन बात, बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, सुनने लायक बच्चा यार अब
प्लीज एक बात तो सुन लू यार, नहीं सुनना सुन। क्या बचा क्या है अब सुनने लायक? यार तू समझ लेना, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। करो यार, मेरे को अपनी दोस्ती भी कंटिन्यू करनी है यार। मुझे नहीं करनी प्लीज यार। अच्छा सुन तो ले। देखो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है यार, ठीक है तुम मस्त। अच्छा सुन तो ले, ठीक है? पर सुन तो ले यार, एक दूसरे के साथ मत छोड़ना, ठीक है? वो ना यार पारुल पे ना प्रैंक वन हो गया था यार, मैंने सोचा पारुल इंटरव्यू कर दे। पागल मजाक कर रहे थे यार, क्या हो गया? रोने लग गया पागल। नहीं यार मजाक कर रहे थे, तुझे लगता है ऐसा करूंगी मैं? मुझे पता था, पर तू इतना यकीन से बोल रही थी यार। बेस्ट फ्रेंड फंस गई, बात खत्म। बहुत दोनों पिटोगे मेरे। अच्छा बोले कैमरा हाय, तू शादी नहीं करूंगी, पक्का नहीं करूंगी। बोले कैमरा हाय कर दो सारे, जान से मार दूंगी किसी से। तो गाइज आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना यार। और अभी आपके प्यार की ना बहुत ही ज्यादा जरूरत है यार, बहुत ज्यादा। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो यार, शेयर नहीं कर रहे आप लोग। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है। बाकी अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेगी, हम भी हंसते रहेंगे और आपको भी हंसाते रहेगी। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।